सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग जीरो। तो गाइस, ये साल यानी 2021 कैप्टेडियंस वालों के लिए बहुत ही स्पेशल गया। यानी कैप्टेडियंस वालों ने इस साल काफी सारी स्पेशल चीजें करी, जैसे कि कैप्टेडियंस वालों ने यहाँ पे आइस स्क्रीम के काफी सारे नए चैप्टर लॉन्च किए। जैसे कि इस साल में कैप्टेडियंस वालों ने आइस स्क्रीम का चैप्टर 6, चैप्टर 5 और चैप्टर 4 रिलीज किया, जिसको कि काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। एंड उसके अलावा मिस्टर मीट 2 अनाउंस किया, अभी नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा इवल नन द मेज, हॉरर ब्राउल, इवल नन द ब्रोकन मास्क, इवल नन चैप्टर 2 ट्रू एंडिंग, मतलब इतने सारे गेम। और इसके अलावा और भी स्पेशल, जैसे कि हमें पता चला कि इवलन के पीछे किसकी रियल वॉइस है, टमारा रैन, एंड रॉड के पीछे की रियल वॉइस, एंड ऑल्सो मिस्टर मीट के पीछे की रियल वॉइस इस साल कैप्टेडियंस वालों ने रिलीज करी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस साल यानी 2021 में कैप्टेडियंस वालों ने अपनी ऑडियंस के लिए बहुत कुछ रिलीज किया, बहुत कुछ नया किया। तो क्या अगले साल कुछ कम आने वाला है? जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगले साल यानी 2022 के लिए भी कैप्टेडियंस वालों के पास बहुत सारे प्लान हैं। सबसे पहले मिस्टर मीट का चैप्टर 2, आइस स्क्रीम का चैप्टर 7, इवलन 2 में एक नया ब्रांड न्यू अपडेट, इवलन 3 को लॉन्च करना। तो ये मेन प्रोजेक्ट रहने वाले हैं कैप्टेडियंस के 2022 में। इसके अलावा भी काफी सारे और छोटे मोटे अपडेट बाकी गेम्स में आ सकते हैं, बट हाँ, मेन फोकस इन्हीं में होगा, मिस्टर मीट के चैप्टर 2, इवलन 3 और आइस स्क्रीम 7। तो यस, इनसे रिलेटेड हर खबर जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर अभी तक आपने आइस स्क्रीम 1 का हार्ड मोड नहीं देखा मेरे गेमर्स 2.0 पे, तो उसे जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।